नमस्कार, मैं संदीप कुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। गांव बनवारीपुर के प्राथमिक विद्यालय में हुए सौंदर्यीकरण का लोकार्पण सुमंत किशोर सिंह ने किया। इस मौके पर सुमंत किशोर सिंह व रिंकू ठाकुर का राम ठाकुर व ग्रामीणों के द्वारा जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भानु प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अजीत प्रताप सिंह, शिवा ठाकुर, सुवेंद्र पाल सिंह, राम ठाकुर, शीलेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, अजीत सिंह, नवनीत कुमार एडवोकेट, इंद्रेश पप्पू ठाकुर, राघवेंद्र पाल सिंह, प्रबल प्रताप सिंह, महेश कुमार छोटेलाल, गजेंद्र पाल सिंह, नीरू पाठक, रामदयाल, करण सिंह रावल आदि उपस्थित रहे। कि वो जिस तरह से उन्होंने पिछले 4 साल 8 दिन मेरा भाई रहा, 10 जनवरी जो परसों मेरे भाई का 1 साल हो जाएगी, और जो मेरा भाई सुबह 7:45 जिसने लास्ट सांस ली, और पूरे 4 साल 8 दिन आपकी जो सेवा की, हम जितने भी सेवा करने में अगर कहीं चूक रह गई है तो मैं, मेरा पूरा परिवार आप सभी के चरणों में सर झुका के उस सब के लिए माफी मांगता है। 8-7 गांव में एक साथ इंटरलॉकिंग नाली फरंगी पुलों का उद्घाटन किया। हम खटौली, गोपालपुर, सीधामई, कटाई, मंडई, बरसोली, बनवारीपुर और अन्य सम्मान किया। ग्रामीणों ने जहाँ हम लोगों को बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं उनके प्यार और स्नेह से अभिभूत हूँ और सारे ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कुमार राम ठाकुर यादव, जिला अध्यक्ष हाथरस भारतीय किसान भानु। आज हमारे गांव में ग्राम पंचायत बनवारीपुर में एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन रखा गया था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सुमंत किशोर सिंह ब्लॉक प्रमुख हसैन उपस्थित रहे और हमारे रिंकू भैया भी उपस्थित रहे। और ये आज की जो मीटिंग का जो मेन कारण था वो ये था कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल में जो इंटरलॉकिंग का कार्य किया था वो प्रमुख के कोटे से हुआ था, और जो हमारे जो एक हमारा पंचायत कर रहे हैं उसका भी जो इंटरलॉकिंग और उसके मरम्मतीकरण का कार्य हुआ था वो ब्लॉक से हुआ था उसके चलते, और कुछ हमारे जो भाइयों की जो ठाकुर देव प्रताप जो स्वर्गीय जो उनकी जो प्रतिमा थी और जो पट्टिया थी लगने के रह रही थी उसका भी निकाल हुआ है, उसका उद्घाटन भी किया है। तो ये सारे कामों के चलते आज उनका लास्ट था, तो हमने अपने गाँव में उनका स्वागत सम्मान कुछ उदारों से गाँव के साथ मिलकर वो अच्छे तरीके से कराया। जय। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।